হামবার্গ টাইমস। একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হুগলি জেলার নাম্বার ওয়ান জ্যোতিষী হস্তরেখাবিদ বাস্তুবিদ ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী গোল্ড মেডেলিস্ট ও একাধিক অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত IIOH কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্ত যে কোনো সমস্যার গ্যারান্টি সমাধানে এখন আরামবাগ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকার আরো কাছাকাছি। ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রীর নতুন চেম্বার এখন আরামবাগ হসপিটাল মোড় ICICI ব্যাংকের পাশে বারিক মার্কেট প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার এছাড়াও আরো বিভিন্ন জায়গায় বসছেন। साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और पार्टी के महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जी, हमारे नेता राहुल सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी, ज्योतिर्मय महतो जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, सौमित्र खान जी, हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा, श्रीमती भारती घोष जी, श्री सन्याल दत्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से कांग्रेस CPM तृणमूल सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए MLA जिला पंचायत अध्यक्ष काउंसिलर जिला अध्यक्ष बोर्ड निगम के अध्यक्ष भाइयों बहनों और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी और आज इस विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों सबसे पहले मैं महान भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा शास्त्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। उनके जज्बे की कल्पना करिए, 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी। यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों मैं यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी, पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बैनर्जी को भी याद करना चाहता हूं। मित्रों आज हमारे साथ एक MP, 9 MLA, एक एक्स मिनिस्टर, एक MOS, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष हुए हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस तृणमूल CPM सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं।
दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था? आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, आपको दल बदल लग रहा है दीदी? मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि मित्रों एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टिकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है? ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है? आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका, क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6000 रुपया भेज रहे हैं बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए बंगाल के किसान को 6000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मगर किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते आपको ये 6000 रुपया नहीं मिलने वाला। मित्रों ढेर सारी योजनाएं, अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया, मैंने पूछा कि 6000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन कर। मित्रों बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और आज सुबह मैं अखबार देखता था, कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
किया आपने, आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों, पॉकेट। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मित्रों, अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉन्वे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मित्रों, या पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे बच्चू बेहरा को मार दिया, जंगल से मिलान हल्दर को मार दिया, हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया, कुछ बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया, आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया, झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया, कांची से शेख अजहर को मार दिया, बीरभूम से संक्री बागड़ी को मार दिया, बिश्रुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पुरुलिया से शिशुपाल सोसीस को मार दिया। कितने लोगों को मारोगे? ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए, परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए, आवाज बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। ये सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम करना है। आज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए उनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया?
ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के निश्चय की मुट्ठी बीजिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय स्वराष्ट्र मंत्री महाशय के कितार मूल्यवान। Collection jeans and t-shirts only for men.